हर भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। भीषम से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, भीषम से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, हो भीषम से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, उन्हें पारथ वाले तीरों को, उन्हें पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। और हम भीषम से ब्रह्मचारी वीर सिंह आ रही है जी, हम भीषम से ब्रह्मचारी युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, अरे उन पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म देना। हे ईश्वर, इस देश में उस विद्या को एक बार दोबारा से प्रज्वलित करने का काम करना जो तीर मार करने के बावजूद भी वापस तर्कस में आ जाया करते थे, वो वेद की विद्या इस धरती से इस समय विलुप्त सी होती जा रही है। पहली कली में कहा और दूसरी कली में क्या बताया, सुनिएगा सजना। कभी चमक्या हिंद मुकट में, अब गया ठगों के गुट में, कभी चमक्या हिंद मुकट में, अब गया ठगों के गुट में, कभी चमक्या हिंद मुकट में, अब गया ठगों के गुट में, उन्हें कोई नूर से हीरों को, उन्हें कोई नूर से हीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले हीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। तीसरी कली आपके बीच में रख रहा हूं और इस पे विशेष कर ध्यान देना सजनों, क्यों? क्योंकि ये बात इस राजस्थान की धरती से जुड़ी हुई है। क्या कहा? क्या ओ मानस ने, अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेट वतन की, अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेट वतन की, अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेट वतन की, उन्हें ओ उन्हें भामा शाह से अमीरों, उन्हें भामा शाह से अमीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को।
अतुलित राशि थी धन की, हंस कर दई भेंट वतन की। उन भामा शाह से अमीरों को भगवान जन्म देना। भामा शाह का नाम आपने सुना होगा, अपने राजस्थान का ही था। और महाराणा प्रताप जब दर बदर की ठोकरें खा रहा था तो वो भामा शाह ही था जिसने कहा रे महाराणा सारी दौलत तेरे लिए और एहसान नहीं कर रहा, इसी भारत की भूमि से तो ली थी और इसी भारत की मिट्टी को वापिस करना चाहता हूँ। वाह, ये दान था, ये दानी थे। और सजनों, ये देश ऋषि मुनियों का देश है। हे भगवान, एक बार फिर हमारे देश में ऋषि पैदा होने चाहिए। बाबा जी तो आज भी हैं, पर ऋषि नहीं है। मेरी तरफ वो पंखे की तरफ क्या ध्यान दे रहा हूं, मैं लाख लाख रुपए की बात आपके बीच में कह रहा हूं। बाबा जी तो आज भी हैं इस देश में, पर ऋषि कोई नहीं। मां भारत के बाद एक महात्मा जन्मा था सजनों, फिर से पुकार की है कि हे ईश्वर, ऐसी महान आत्माओं को एक बार फिर भेज दे। कौन था भला? कौन? ओए ओए, नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, नहीं छोड़ा सत्य पथ को, दया जगा था सारे जगत को। ऋषि दयानंद से फकीरों को, ऋषि दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले पीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले पीरों को। आज कहते हैं लोग जादू, लेकिन जादू नहीं होता सजनों। हाँ, इस देश में जादूगर तो पैदा होया, पर एक ही पैदा होया। कौन था सजनों? कौन? वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खिपाली। वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खिपाली। भारत वतन को छोड़ करके विदेश में रह करके ऐसा जादू चलाया कि वो गोरे अंग्रेज भी दंग रह गए और ये वतन छोड़ना पड़ा। कौन था वो जादूगर सजनों? वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। उन्हें नेता सुभाष सफीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले वीरों को। ये तो इस देश का जादूगर मैंने जिसका नाम लिया, इस देश का नेता भी वही था, इस देश का जादूगर भी वही था और इस देश का ऐसा नौजवान जो सच्चे मायने में वीर था। और वो किसका शिष्य था मेहरबानों, अंदाजा लगाना वो नौजवान कौन था जिसके लिए तीन लाइन पढ़ रहा हूं, कह रहा हूं तीनों लाइन दिल को छू जाए तो आपका तालियों का समर्थन जरूर मिले। कौन था वह जवान? जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। जो मौत को समझे हंसी, हंस हंस के खा गए फांसी। वो उन भगत सिंह रणधीरों को, उन भगत सिंह रणधीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले वीरों को।
खून उबल गया गाने का समय निकल गया के खून उबल गया गाने का समय निकल गया जिन्हें पढ़ के खून उबल गया गाने का समय निकल गया गजब की उन तहरीरों को गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना वो भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना वो भगवान जन्म देना वो भगवान जन्म देना